जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा निकल आएगा। अब आपकी चाहे कंपनी बंद हो या फिर चालू हो, आप बिना रिकेवाईसी के पैसे निकाल। 19 अगस्त को जैसे ही हमने क्लेम किया और क्लेम सेटल्ड भी हो गया है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि पीएफ निकालने में इशू आ रहा है, कैसे पीएफ निकालें या कब तक पीएफ का पैसा आ जाएगा, केवाईसी दोबारा से करानी पड़ेगी या बिना केवाईसी के पैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों की कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है। तो इस वीडियो को यदि एक बार आपने पूरा देख लिया लास्ट तक तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम फुल प्रूफ देखने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो में स्किप किए लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प। इसके लिए सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना बैंक का केवाईसी चेक करेंगे। अब हम केवाईसी क्यों चेक करेंगे, मैं ये भी आपको अभी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो केवाईसी का डिटेल है वो ओपन होकर के आ चुका है और देख सकते हैं कोई केवाईसी पेंडिंग नहीं है और हमने केवल एक बार ही केवाईसी किया हुआ है, जो बैंक का केवाईसी है। अब केवाईसी का दिखाने का मेन रीजन ये था कि अभी इससे पहले जब हम अप्लाई कर रहे थे, जो कि एरर आ रहा था केवाईसी डिजिटली अब नॉट अप्रूव्ड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यही मेंबर की आईडी है, हरिओम के नाम से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्लेम जैसे ही आप कर रहे थे तो एक एरर आपको देखने को मिल रहा था, देखिए एरर आ गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर बैंक केवाईसी इज नॉट डिजिटली साइन इन बाय एम्प्लॉयर। तो मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये एरर आपका आ रहा था, जो एरर आ रहा था ये ईपीएफ की तरफ से बता दिया गया था कि ये एक एरर है और ये ठीक भी हो जाएगा, ऐसा बता दिया गया था। तो यहाँ पे ठीक भी हो चुका है और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डियर मेंबर्स में कोई भी एरर नहीं है। और जो कि एरर पहले आ रहा था, मैं आपको दिखा दूं कुछ इस टाइप से, यहाँ पे लिखा हुआ था ईपीएफओ ने, यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, वीडियो से ही दिखा रहा हूँ ये चीज, यहाँ पे रुको मत करो पीएफ के नाम से अभी मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि उस टाइम आप कर रहे थे तो रिजेक्ट ही हो जाया करता था। तो यहाँ पे जो एरर के बारे में बताया गया था, 18 अगस्त को ये ठीक हो जाएगा, तो उसी के बाद मैंने यहाँ पे केवाईसी कर दिया इन एम्प्लॉई का। तो आप देख सकते हैं ये जो एम्प्लॉई है, इनका ट्रैक क्लेम स्टेटस देखेंगे, यानी 18 तारीख के बाद 19 तारीख को हमने क्लेम किया, तो 19 तारीख में हम देख लेते हैं कि इनके क्लेम के साथ क्या हुआ। जैसा कि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा नहीं हो रहा है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिना केवाईसी का, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने कोई भी केवाईसी नहीं किया हुआ है। उस एरर के खत्म होने का जो डेट था 19 तारीख का था, 18 तारीख के बाद का था, तो 19 तारीख को मैंने इन एम्प्लॉई का यहाँ पे क्लेम कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 19 अगस्त को क्लेम किया गया है, सबमिट एट पोर्टल 19 अगस्त 2020 को 6:12 PM पे किया गया था और ये 19 तारीख को ही 8:35 पे फील्ड ऑफिस पे भी चला गया था और क्लेम सेटल्ड भी हो चुका है। अब इनके हम पासबुक पे चलते हैं, पासबुक के में देख लेते हैं कि क्या हुआ है, पैसे कटे हैं नहीं कटे हैं और सेटल हुए हैं तो कितने यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार ये लास्ट तक आप बिल्कुल बने रहिए। तो पासबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही मेंबर आईडी है, तो एक मेंबर आईडी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे व्यू पासबुक पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो पासबुक है वो उसमें इतने पैसे अब शेष बचे हुए हैं और यहाँ पे आपके इम्प्लॉई शेयर से इतने पैसे निकले हैं और इम्प्लॉयर शेयर से इतने पैसे निकले हैं। देखिए काफी लोग पिछले लाइव सेशन में पूछ रहे थे कि सर इम्प्लॉयर शेयर से पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो यहाँ पे लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसे निकल रहे हैं उसमें से भी। अब यहाँ पे हम व्यू क्लेम स्टेटस चेक कर लेते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 19 अगस्त को ये क्लेम किया गया था फॉरम नंबर 31 और जो पारा सेलेक्ट किया गया था वो किया गया था यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19। और देख सकते हैं कि इनका जो पैसा है वो एडवांस के रूप में 27,075 रुपए इनका बन रहा था वो निकल गया है। उसके बाद यहाँ पे सेटल दिखा रहा है और सेटल देखने के बाद ये आपके बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे सेटल हो गया। देखिए आप NEFT एक दिन में सेटल हो रहा है, ये 22 तारीख का ही इनका सेटल हुआ और 22 को ही इनके बैंक अकाउंट में भी आ गया। तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर ही पैसे इनके आ गए। अब यहाँ पे काफी लोगों के जो क्वेश्चन थे कि सर क्या हमें दोबारा से बैंक KYC करानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आई होप कि उनको क्लियर हो पाया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई भी KYC नहीं किया जो प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके बाद यहाँ पे KYC जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि KYC करने के बाद तो एरर ठीक ही हो जा रहा था, लेकिन आप लोगों को ये भी तो दिखाना था कि आपको बिना KYC के आप पैसे निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। आप देख सकते हो ये KYC सेक्शन में हम अभी आ चुके हैं और यहाँ पे KYC केवल एक बार ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आप बिना रिकेवाईसी किए हुए भी
इस एरर के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा निकल आएगा। अब आपकी चाहे कंपनी बंद हो या फिर चालू हो, आप बिना रिकेवाईसी के पैसे निकाल पाएंगे। यदि आप फिर भी रिकेवाईसी कराना चाहते हैं तो करा भी सकते हैं, और यदि आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो आप वैसे पैसे आप अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, आपका पैसा निकल आएगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको प्रूफ दिखाया, जो कि इनका ये जो एम्प्लॉई है इनका जो क्लेम है वो यहाँ पे हमने 19 तारीख को किया हुआ था, 19 अगस्त को, जो 18 अगस्त अभी लास्ट डेट था ईपीएफओ की तरफ से कि 18 अगस्त के बाद अब क्लेम कीजिए तो ठीक हो जाएगा, आपका सेटल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ईपीएफओ ने सही बोला था, यहाँ पे 19 अगस्त को जैसे ही हमने क्लेम किया और क्लेम सेटल्ड भी हो गया है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे रिलेटेड वीडियो के लिंक आपको नहीं मिलते हैं तो आप नीचे कमेंट की डाटा पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।